Hello students, how are you? How are your studies going on? I hope you are doing good study. So student, today I am from class 2, subject TVS, lesson 3. And the name of lesson is Our Family. So students, part 1 dekhenge, we all live in a family. Hum sab kaam pe rehte hain, parivar mein rehte hain. Parents and children together make a family. Jo parents hain, mata pita, children, bachche, together means saath mein, make a family, parivar banate hain. दे लव एंड हेल्प ईच अदर, ये प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लव करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की. ए फैमिली गिव्स प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर. फैमिली क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है अपने सदस्यों को. अब आपके मेंबर से नहीं, कौन? पेरेंट्स, बच्चे, ये सब मेंबर्स हुए. सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, दिस इज रिचाज फैमिली. रिचा लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ए यंगर ब्रदर. ये रिचा की फैमिली, रिचा रहती है पेरेंट्स के साथ में और यंगर ब्रदर के साथ में. हर फादर इज ए डॉक्टर. उसके फादर क्या है? डॉक्टर है. हर मदर इज अ होम मेकर. मदर जो है होम मेकर है. दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और वो एकल परिवार में रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार. देयर फैमिली इज स्मॉल. उनकी फैमिली कैसी? छोटी. स्मॉल मीन्स होता है छोटी. दे आर ए हैप्पी फैमिली. तो स्टूडेंट्स, ये है रिचा की फैमिली. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली. पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन है वो किस में रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं. पेरेंट्स केयर अबाउट चिल्ड्रन वेरी मच. पेरेंट्स जो है केयर करते हैं चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा. फादर अर्न मनी एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली नीड्स. फादर क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली नीड्स और उनके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हैं. रिचा फैमिली इज स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली. और रिचा की परिवार के साथ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है. आरुष लिव्स विथ हिज पेरेंट्स. आरुष अपने पेरेंट्स के साथ रहता है एंड फोर सिस्टर के साथ में. हिज फादर इज ए टीचर. उनके जो पिताजी हैं वो क्या हैं? टीचर. और मदर क्या? होम मेकर हैं. ही लिव्स इन ए बिग फैमिली और वो बिग फैमिली में रहते हैं. इन मोस्ट बिग फैमिलीज पेरेंट्स कैन नॉट केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन. और बड़े परिवारों में जो है पेरेंट्स केयर नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं बच्चों की. आरुष फैमिली इज ए बिग न्यूक्लियर फैमिली. आरुष की फैमिली कैसी? बिग न्यूक्लियर फैमिली. दिस इज आरुष फैमिली. फोर सिस्टर्स एंड आरुष एंड पेरेंट्स. सो स्टूडेंट, रीना लिव्स विथ हर पेरेंट्स, ब्रदर, अंकल, आंट, कजिन एंड ग्रैंड पेरेंट. दिस काइंड ऑफ फैमिली इज नोन एज जॉइंट फैमिली. रीना किनके साथ रहती? पेरेंट्स के साथ में. ब्रदर, अंकल, आंट, अंकल जी और आंटी जी, कजिन्स उसके चचेरे भाई बहन एंड ग्रैंड पेरेंट दादा दादी के साथ में. इस प्रकार की फैमिली को क्या बोला जाता है? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. डिड यू नो देयर आर सम फैमिलीज इन विच पेरेंट्स एंड देयर मेनी चिल्ड्रन लिव टुगेदर. ऐसा परिवार जहाँ पे कई पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं. इन दिस काइंड ऑफ फैमिली द पेरेंट्स कैन नॉट टेक केयर मतलब देयर चिल्ड्रन. तो पेरेंट्स ज़्यादा केयर नहीं कर पाते बच्चों की. इन ए ज्वाइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंट, अंकल्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर. और ज्वाइंट फैमिली में जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, पेरेंट्स, आंट, अंकल एंड कजिन्स है, वो साथ में रहते हैं. ज्वाइंट फैमिली इज मेनी मेंबर. ज्वाइंट फैमिली में कई बहुत सारे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियर फैमिली का बताया था. ओके.